ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। बड़ी अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है कि कौमी असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। पहले भी ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं, लेकिन वजूहात अभी सामने नहीं आई हैं कि वजूहात क्या हैं। लेकिन कौमी असम्बली के ये 13 हलके हैं जिसमें ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। याद रहे कि इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट किए गए थे तहरीक इंसाफ के, और उसमें फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजूहात भी अब जारी कर दी हैं, और उनका ये कहना है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, इस वजह से हम इन इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाब के रिलीफ इकदामात में इस वक्त मसरूफ हैं। ज़िमनी इंतखाब की नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमीशन ने अब यह बाकायदा तौर पर अपना मौकफ इस पर दे दिया है। वजूहात इन इलेक्शन के मुलतवी होने की सामने आ चुकी। 13 हल्के थे कौमी असम्बली के जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने थे, अब इनको मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, इस वजह से ये इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त सैलाब के इकदाम में मसरूफ हैं। ज़िमनी इंतखाब की नई तारीखों का